अस्सलाम वालेकुम। ये इंडिया का टिटवाल सेक्टर है, जो जूम हो गई नहीं। ये बीच में दरिया है और ये पूरा इंडिया का गांव है, इंडियन कश्मीर है। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी तो जब ये पॉइंट ये होटल बना रहे थे तो बीबीसी पे भी आया था, ये मैंने देखा था टीवी पे ना, सामने से इंडियन फौजी जो है वो भोपू पे ऐलान कर रहे थे, बड़े तमीज से ऐलान कर रहे थे। वैसे आपको इजाजत नहीं है होटल बनाने की, ऐसी कुछ बात कर रहे थे वहाँ से। कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि आदमी बंकर बन रहे हैं। अच्छा, वो ये समझ रहे थे जी, तो वो बनाना नहीं दे रहे थे, बनाने नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर आपने उनको कैसे बताया कि होटल है? तो उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की, फायर वगैरह किए, यहाँ पे पहले ऐलान करते रहे, जिस पर फायर किए तो हम यहाँ से नीचे गुस्से में आ गए, थोड़ा नीचे भागे, तो उनका जो जनरल बख्शी आया हुआ था वो फौरन गाड़ी में बैठा और पीछे की तरफ निकल गया, बाकी आदमी उनकी बंकरों में दोस्ती के उनके अंदर वहाँ बैठ के भी इतना डर है। अच्छा, तो बाद में हमारी आर्मी ने बड़ा तावन किया हमारे साथ, सही सही सही। उनके आपस में मुजाकरात हुए तो तब बताया कि फिर होटल खुला तुम्हारा है। अच्छा, आज हम इस मकाम आज इस जगह बैठे हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इस जगह का नाम, इस दरिया का नाम दरिया नीलम है और ये किशन गंगा है, हम लोग इसको दरिया नीलम कहते हैं। किशन गंगा रिवर इसका नाम है, इंडिया वाली साइड से इसी में ये पाप धोते हैं, आगे जाके ये फिर जो अपने इनके मुल्क में दाखिल हो जाता है और फिर ये गंगा रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। पाकिस्तान में ये नीलम रिवर है और ये तमाम कुपवाड़ा सेक्टर है, तो तमाम के तमाम ये बहुत सारी चेक पोस्टें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, मैं ये क्या करूं।